काफ़ी सालों से काम कर रही हूँ, इट्स बीन ऑलमोस्ट 25 ईयर्स, मोर देन दैट, लेकिन फिल्मों ने कोई ऐसा सब्जेक्ट छोड़ा नहीं है किसी भी इशू के लिए कि उनके ऊपर फिल्म नहीं बनाई गई है. लेकिन सातपुड़ा सुपर सेवियर्स का जो कॉन्सेप्ट है, सातपुड़ा इंजीनियरिंग की जो कंप्लीट एफर्ट और एंडेवर है, वो इस बारे में है जिसके ऊपर हमारा कभी ध्यान नहीं गया था. इट इज़ ऑल अबाउट एम्बुलेंस ड्राइवर्स एंड एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइडर्स. तो मुझे बहुत ही प्राउड महसूस हो रहा है क्योंकि ये ऐसे लोग हैं हमारी सोसाइटी के जो काफ़ी मेहनत करते हैं, जो अपनी जान हथेली पे रख के काम करते हैं, लेकिन उनको उनके काम का क्रेडिट नहीं मिलता है. तो वी आर मेकिंग अ यूट्यूब सीरीज़ ऑफ 8 एपिसोड्स जिसके लिए हम आप सभी का स्वागत करते हैं. आप आइए, देखिए, और सिर्फ देखने से आपका मनोरंजन नहीं होने वाला है. हमें एब्सोल्युटली गारंटी है कि इन फिल्मों को देखने के बाद आपको इंस्पिरेशन मिलेगी और आप ये चाहोगे कि ऐसा काम और भी लोग करते रहें. ऑन टॉप ऑफ इट, सातपुड़ा इंजीनियरिंग का ये एक एफर्ट, ऑनगोइंग एफर्ट चल रहा है कि जो स्ट्रेचर्स होते हैं लोगों को हॉस्पिटल में पहुंचाने के लिए, वो स्ट्रेचर्स की क्वालिटी कैसे बेहतर हो, वो लाइट कैसे हो. तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे निर्देशक तुनीर और उनकी टीम सातपुड़ा इंजीनियरिंग के लिए इतनी खूबसूरत फिल्में बना रही है, और सातपुड़ा इंजीनियरिंग की पूरी फैमिली यहाँ हमारे साथ है. सतीश सर हैं, श्रेयस और केदार भी हैं. ये ऐसी फैमिली है जिनके बारे में हम आशा और अपेक्षा रख सकते हैं कि ये आने वाले फ्यूचर में बहुत अच्छा काम करते रहेंगे और हमें और प्रेरणा देते रहेंगे. मुझे लगता है इसका जवाब वो अच्छी तरह से देंगे, लेकिन हमारे जो सुपर सेवियर्स हैं उनकी हर एक की फैमिली जो है वो किसी भी फिल्म कहानी से कम नहीं है. उनका जो कोविड के दरमियान, लॉकडाउन के दरमियान जो स्ट्रगल रहा है वो किसी भी फिल्म से कम नहीं है. तो हम तो तैयार हैं, मुझे यकीन है कि सातपुड़ा फैमिली तैयार है कहानियाँ लेकर, हम तैयार हैं कहानियाँ पेश करने के लिए. अब तुनीर के ऊपर है कि वो इसे कैसे आगे ले जाए. हाँ हाँ सर, अब मैम से सवाल. मुझे लगता है एज एन एक्टर एक बहुत सिंपल बात हमारे सामने आती है कि रिसर्च टीम होती है हमारे साथ और हमें वो समझ के एक्सप्रेस करना होता है. तो रिसर्च टीम तो सातपुड़ा इंजीनियरिंग की थी, तुनीर की थी जिन्होंने स्क्रिप्ट बनाई थी. मेरी जिम्मेदारी ये थी कि ये सारी जो रिसर्च है वो समझ लेना. जब तक हम समझते नहीं हैं तब तक वो बात दिल तक पहुंचती नहीं है. तो मुझे लगता है कि ये जो सारा काम है वो इतना इम्पॉर्टेंट है, जो मुझे लगा कि आज तक मुझे इस बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं था. पता होने की बात बहुत दूर की है, मैंने कभी सोचा ही नहीं था. ऐसे लगता है कि हाँ, स्ट्रेचर्स को तो व्हील होते हैं, वो कोई पुश करता है, पुल करता है, और वो जैसे हम फिल्मों में देखते हैं अचानक ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा बंद हो जाता है और लाल लाइट आती है या हरी लाइट आती है. इसके अलावा मैंने कुछ सोचा नहीं था. तो जब ये टॉपिक मेरे सामने आया तो ऐसे लगा कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है. जितने डॉक्टर्स हमारे लाइफ में इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पेशेंट को वहाँ ऑन टाइम पहुँचना भी ज़रूरी है, और उसके लिए ये जो सारे सुपर सेवियर्स हमारे हीरोज़ जो हैं वो काम करते हैं, और ये बात मन को काफ़ी व्यथित करने वाली थी और काफ़ी कुछ सिखाने वाली थी. तो आई जस्ट फील कि सिर्फ इस फिल्म के लिए नहीं, सिर्फ आज के इवेंट के लिए नहीं, मैं सातपुड़ा टीम के साथ ज़िंदगी भर के लिए जुड़ी रहूँगी, क्योंकि ये बहुत इंस्पिरेशन देने वाली बात है और हमारे
सोसाइटी के ऐसे लोग हैं जिनको हमने कभी अहमियत नहीं दी है। हम जानना चाहेंगे कि सोनाली जी लाइफ में भी ऐसे हैं और हाँ वो मैं बता सकता हूँ कि हाँ वो है, वो सच में है। मतलब आप लिटरली मैं बोल रहा हूँ ना, मैं प्रकाश आमटे की फिल्म बार बार क्यों बोल रहा हूँ, दैट वॉज द परफेक्ट कास्टिंग आई थिंक सो। मतलब शी डिड, आप कॉपी पेस्ट ही है आप बोल सकते हो, वो सारी चीज़ें इनमें वो नेचुरली है और इसीलिए वो यहाँ पे है। ये जैसे आप में भी है, हम सब में, है। जब तक वो इंक्लिनेशन नहीं होती तो मज़ा नहीं आता जीने में ना। करेक्ट, हम एक दूसरे का हाथ हाथ में लेके जी रहे हैं। आप यहाँ आए हो क्योंकि आपको लगता है दिस इज समथिंग विच मैटर्स टू योर हार्ट, तो थैंक यू फॉर बीइंग हियर एवरीबडी, थैंक यू सो मच। एम्बुलेंस ओनर से इंटरेक्ट करते थे तो उससे हमको ये रियलाइज़ हुआ कि ऐसे काफ़ी एक्सपीरियंसेस उनके हैं जो नॉर्मल लोगों को पता नहीं चलते क्योंकि वो उनसे इतना इंटरेक्शन करते नहीं है। वो एम्बुलेंस सर्विस लेते हैं और उसके बाद ट्रांजैक्शन करके हम लोग उनको भूल जाते हैं, लेकिन उसके पीछे जितना भी उन्होंने हार्डवर्क किया है, जितने सैक्रिफाइसेस पर्सनल लेवल पे किए हैं, वो उनके सामने कभी आते ही नहीं है। तो जब भी मैं इनसे इंटरेक्शन कर रहा था तब मुझे पता चला कि ऐसे काफ़ी स्टोरीज़ है, ऐसे काफ़ी इंसिडेंसेस है जो बहुत जो दिल को बहुत छू जाते हैं और किसी और को पता ही नहीं रहता, वो सिर्फ मैं और उनके बीच में इंटरेक्शन्स होती थी। तो हम लोग ने फिर सोचा कि अगर इतने सब उनको मुझे ऐसे लगा कि उनको कोई प्लेटफॉर्म चाहिए ये सब स्टोरीज़ बताने के लिए। तो हम लोग ने फिर टूनी सर से मिलके ऐसा कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग किया कि ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या, कि उनको एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं क्या हम लोग, जिसमें वो उनकी स्टोरी बता पाए, जिसमें वो उनका जो भी पहले का स्ट्रगल है वो पब्लिक वो जनता के सामने ला पाए। तो वैसा प्लेटफॉर्म हमको यूट्यूब मिला। तो यूट्यूब में हम लोग ने हर एक सतपुड़ा सुपर सीवियर के ऐसे 8 एपिसोड्स बनाए और वो एपिसोड्स अभी आज लॉन्च होने वाले हैं। उसमें अब आप उनकी सबकी स्टोरीज देख सकते हो, बहुत हार्ट वार्मिंग और हार्ट टचिंग स्टोरी है। तो हमको भी बहुत खुशी हो रही है कि आज यूट्यूब और आपके ज़रिए ये स्टोरी बहुत लोगों तक पहुंचने वाली है और लोगों को ये बिहाइंड द सीन्स जो है उनके लाइफ में वो पता चलने वाला है, उनकी एक इमोशनल साइड पता चलने वाली है, एक स्ट्रगल वाली साइड पता चलने वाली है, जो भी सैक्रिफाइसेस है वो साइड पता चलने वाली है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसके बाद कुछ पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा पूरे समाज का, कि उनको हम अलग नज़र से शायद देख पाएंगे इसके बाद। सो एक छोटा एफर्ट है इन चेंजिंग पर्सपेक्टिव ऑफ एवरीबडी रिगार्डिंग लुकिंग एट देम। सर आपसे जानना चाहेंगे सतपुड़ा सुपर सेवियर बारे में, तो बेसिकली ऐसे कि जो भी हम लोग भी जब इंटरेक्ट करते हैं या फिर हम लोग के दोस्तों से हम लोग बात करते हैं, तब इट इज़ ऑलवेज एम्बुलेंस एज अ होल। मतलब जो उनके बैकग्राउंड में जो भी काम चलता है, एम्बुलेंस कोऑर्डिनेट करने का, उनका ड्राइवर की मेहनत, उनके ऑपरेटर्स की मेहनत, वो सब रिकग्नाइज नहीं होती थी। इट वाज जस्ट एन एम्बुलेंस, दूर से एक ऐसे थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से देखा जाए। तो जैसे हम लोग प्रोडक्ट के लिए जो इंटरेक्शन करते थे, तो वो इंटरेक्शन की वजह से हम लोग को रियलाइज़ हुआ कि देर इज़ मच मोर टू देयर स्टोरी, एंड उनके एक एक स्टोरीज सुन के वी रियलाइज कि दे आर मच मोर देन जस्ट एम्बुलेंस ड्राइवर्स एंड ऑपरेटर्स, दे आर सेविंग द लाइव्स जो उनके पेशेंट्स वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो वो इंस्टिंक्टिवली वो नाम आया सुपर सेवियर्स करके ऐसे, तो इसीलिए फिर हम लोग ने उनको सतपुड़ा सुपर सेवियर्स का टाइटल देने का सोचा। सर आप लोगों से जानना चाहेंगे कि आपने जब ये स्टार्ट किया था और आज कहाँ तक ये पहुँच पाया? तो अभी जैसे मैंने कहा कि ये अभी 8 एपिसोड्स हमने शूट किए हैं, तो ये हम हमारे लेवल पे अभी करने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज के बाद जब ये सब लोगों तक ये बात फैलेगी कि ऐसा एक इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है काफ़ी लोग इससे जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो हमारा लॉन्ग टर्म विजन ऐसा है कि ये इनिशिएटिव बहुत बड़ा हो और बहुत लोगों तक पहुँचे और बहुत लोग इससे जुड़े, बहुत बाकी सारे भी एम्बुलेंस ओनर्स इनिशिएटिव से जुड़े और सिर्फ ये 8 एपिसोड तक लिमिट ना हो, इसके और सीजन्स बने, ऐसा हमारा एक लॉन्ग टर्म विजन है ये इनिशिएटिव को लेके। हर एक सेवियर की एक एक यूनिक स्टोरी है,
तो हम चाहते हैं कि हम ये हर एक सेवियर से जुड़ना चाहेंगे और उनकी जो भी स्टोरीज है, उनके जो भी स्ट्रगल्स है, वो बाकी के पब्लिक तक भी पहुँचे और उनकी मेहनत रिकग्नाइज हो और वो रिस्पेक्ट मिले उनको, जो बाकी डॉक्टर्स नर्सेस और उनको भी मिले, उनको मिलते हैं। कहाँ तक पहुँच पाए हैं अभी हम लोग? सिर्फ लोकली जो हमारे आसपास के जो कस्टमर्स या आसपास के, फिलहाल हम लोग एक महाराष्ट्र बेस के सर्विस प्रोवाइडर जो हमने चुने हैं, जो 8 जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो जिनकी कोविड की स्टोरीज, उनके लाइफ स्टोरीज हमें इंस्पायरिंग लगी और हमने उनको लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। ऐसे और भी हम नेशन वाइड स्टोरीज कलेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए हमने एक साइट का लिंक भी दिया रजिस्ट्रेशन का, जिस रजिस्ट्रेशन लिंक पे लोग क्लिक कर सकते हैं अपनी सारी डिटेल्स। वो अगर एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइडर्स है, ओनर्स है, तो अपनी सारी डिटेल्स वहाँ पे फिलअप करें, अपनी कहानी वहाँ पे बताएं, वो हम तक पहुँचेगी, हम उस कहानी को लोगों तक पहुँचाएंगे। ये हमारा टोटल एक प्लान वन है। इस प्लान का दूसरा स्टेज है कम्युनिटी ग्रुप, जैसे कि वैभव खेटली जी यहाँ पे हमारे पास एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइडर है, राज लोखंडे जी है, बहुत सारे, इन सब ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स को उस एक छत के नीचे लाना। कैसे होता है, एग्जाम्पल अभी आप मीडिया वाले भी है, आपके मीडिया में भी ऐसा होता है ना, कोई एक बड़ा मीडिया होता है, कोई छोटी मीडिया होती है, एक कोई मीडियम स्केल का होता है, तो छोटे पर्सन को किसी बड़े पर्सन से कुछ सहायता मिल सकती है, लेकिन वो तभी मिल सकती है ना जब एक दूसरे से जाने मिले। तो वैसे ही हम सारे सर्विस प्रोवाइडर्स को एक छत के नीचे लाना चाहते हैं, जिससे वो सभी एक छत के नीचे एक दूसरे की मदद कर पाए। कुछ ज़रूरत हो, अगर पुणे के एम्बुलेंस वाले को कुछ मुंबई के एम्बुलेंस वाले से कुछ मदद चाहिए, तो उसी ग्रुप पे कांटेक्ट कर सकता है, इधर से उसको आसानी होगी ये सारी चीज़ें करने के लिए। वहाँ पे उस कम्युनिटी में जैसे संदीप गुगे जी से जैसे पर्सन जो गवर्नमेंट की चीज़ों को कनेक्शन कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उन जैसे पर्सन्स को भी हम उस कम्युनिटी ग्रुप में लाएंगे। ये हमारा फेज़ 2 है। और फेज़ 3 है कि इसको सरकार कुछ अलग तरीके से इनिशिएटिव को सपोर्ट करे और एम्बुलेंस ड्राइवर्स को बहुत सारी मेंटेनेंस की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है उनके एम्बुलेंस को मेंटेन करने के लिए। कार्डियक एम्बुलेंस हो तो स्पेशली ज़्यादा ही खर्चा होता है, तो उधर सरकार क्या क्या सब्सिडाइज कर सके, उसके लिए हम इनकी आवाज़ उन तक कैसे पहुँचाए, इसके लिए भी हम काम करेंगे। तो हमारे ऐसे 3 फेजेस में इस इनिशिएटिव के काम होंगे और इन 3 फेजेस को काम करने के लिए सातपुड़ा इंजीनियरिंग जैसी कंपनी ने पीछे बैकिंग की, दैट्स द बिग डील, इसीलिए आज हम ये सब कर पा रहे हैं। सो दैट इज़ द आवर फ्यूचर प्लान एंड द प्रोग्रेस थिंग। और मैं चाहूँगा कि यहाँ पे 2 एम्बुलेंस ड्राइवर्स हमारे यहाँ पे बैठे हैं, राज लोखंडे जी और वैभव खेटले जी, तो ये अपनी रिव्यू दे इस इनिशिएटिव, क्योंकि उनके ही मुँह से वो बताए, वो ज़्यादा बेटर है चीज़ों के बारे में। आई थिंक वो फॉर्म दिया है ये हमारी बात रखने के लिए, इसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइडर ये खाली एक ही देखा जाता है कि एम्बुलेंस एक पेशेंट को एक डॉक्टर के पास लेके जाता है या हॉस्पिटल में लेके जाता है, बट इस दौरान जो भी फैसिलिटी बनती है, क्या करना पड़ता है, ड्राइवर लोग जो रहते हैं 24 आवर्स अलर्ट रहना पड़ता है, ये सब फैसिलिटी देने के लिए, उनको प्रोवाइड करने के लिए, उनको उनके पीछे जो एक स्ट्रगल लाइफ है वो किसी ने देखी नहीं है कि क्या क्या करना पड़ता है। कोविड के बीच में तो अब सब लोग बात करेंगे, लेकिन उसका मतलब नहीं है, वो था एक दौर निकल गया, लेकिन जो उसके बाद भी जो प्रॉब्लम्स आती है, जैसे लोगों ने उधर ने बोला कि एजुकेशन, एम्बुलेंस में एजुकेशन पर्सन अगर होते या ना होते उसमें कोई फ़र्क नहीं गिरता, ह्यूमैनिटी क्या है, उसको क्या करना चाहिए एम्बुलेंस के पीछे, वो क्यों काम कर रहा है। अभी हमारे माँ बाप ने ये काम हमको सिखाया नहीं था, हम सीखे, उन्होंने जो बताया अच्छे काम करने के लिए हम लोग ने सीखे और उसमें हम लोग को ब्लेसिंग मिल रही है, इसके लिए हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोग ने भी एजुकेशन किया है, बट उसमें अच्छा मरीज़ के लिए अच्छा रहता है, हम मरीज़ को अच्छा लेके जाने के लिए उनके जो ब्लेसिंग मिलते हैं, इसके लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। उसमें तकलीफें तो बहुत आ रही है, गवर्नमेंट की तरफ से तो बहुत तकलीफ है, उनको कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है कि एम्बुलेंस के पीछे की उनको एक इंश्योरेंस मिले, तो उसको एक उनके लिए पासिंग के लिए भी कोई ये किया नहीं है अलग से, उनको भी रात भर एक रुकना पड़ता है पासिंग के लिए, ये दौरान उनके एक रूल चेंज होते थे रात भर में, उनके लैम्प चेंज हो जाते हैं, ये सब छोटी मोटी बहुत सारी चीज़ें हैं,
वो सब कुछ कोई प्रोवाइड नहीं करते, टैक्सेस भी उनको यही है 28% टैक्सेस है जो है जीएसटी पे, जीएसटी पे उनको 28% जीएसटी ले रहे हैं एम्बुलेंस सेगमेंट में भी, वो किसको पे करना है, एम्बुलेंस प्रोवाइडर को जो टैक्सेशन में जीएसटी में एग्जेम्प्टेड है एम्बुलेंस, तो वो सेटअप तो नहीं ले पाएगा। ये सब छोटे मोटे चीज़ें जो है ना बहुत सारी मायने रखते हैं, उससे कॉस्ट कटिंग होगी, लोगों को अच्छे फैसिलिटी मिल सकती है। ये जो एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसके पीछे उनका उनका अंदर के क्लीनअप कितना खर्चा होता है, ये सब कुछ चीज़ें नहीं, लोगों को क्या लगता है ऑटो रिक्शा का 35 रुपये किलोमीटर है तो ये कितना, 1 किलोमीटर जाना 35 रुपये ले लो, ओला उबेर है 150 रुपये में हो जाता है, तो ओला उबेर वाला पेशेंट नहीं उठा पाएगा, उसमें केयर नहीं होता है, उसमें इक्विपमेंट नहीं होते हैं। इक्विपमेंट्स क्या डालने चाहिए एम्बुलेंस में, ये सब कुछ पैरामीटर्स होता है, आज के डेट में हर एक एम्बुलेंस वाला उसको फॉलो कर रहा है। इसीलिए मैं इनिशिएटिव इन लोग ने जो लिया है, प्लेटफॉर्म दिया है हमको, तो मैं सभी एम्बुलेंस सर्विस वालों को ये दरख्वास्त करूँगा कि आप एक प्लेटफॉर्म पर आइए, आपके अच्छे और बुरे सब जो भी कहानियाँ हैं वो आप आगे ला के उसमें अपन एक दौरान से एक इलाज करें और लोगों की भी सेवा करें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सातपुड़ा सुपर सेवियर्स जो उन्होंने नाम दिया है और पाटिल सर उनका मैं धन्यवाद, उनको मैं ये करना चाहता हूँ। सर डरिए मत, आराम से बोलिए। हाँ सो एक्चुअली क्या है कि वैभव सर ने जैसे बोला कि एम्बुलेंस जो ड्राइवर्स है, डॉक्टर्स है, जो कि 24 आवर्स काम करते हैं, अभी देखा जाए तो ऑटो रिक्शा या फिर ओला उबेर जो भी, उनका एक टाइम पीरियड रहता है कि 8 घंटा 10 घंटा काम करे फिर वो अपने घर पे चले जाते हैं। एम्बुलेंस में वैसा नहीं है, जो कि है वो उनको रूम में ही, एक ही रूम में रहना पड़ता है, जो कि उनका घर परिवार छोड़ के आना पड़ता है, वो लोग 24 आवर्स काम करते हैं। और उसमें क्या होता है कि देखा जाए कि फिर एक्चुअली उसमें तकलीफ ऐसा होता है कि 24 आवर्स काम करने के बाद में भी कुछ गवर्नमेंट्स में, गवर्नमेंट से भी कुछ उसमें कुछ हम लोग को कुछ बेनिफिट्स नहीं है, कुछ नहीं है, टैक्सेस भी ज़्यादा है, तो उसमें भी गवर्नमेंट को थोड़ा सा ये करना चाहिए कि टैक्सेस एम्बुलेंस के ऊपर कम करना चाहिए। और बस यही मतलब कि यही कहना चाहता हूँ। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। क्वेश्चंस और टेक्निकलिटी अबाउट एम्बुलेंसेस नहीं पता है, सो आई वुड लाइक टू मतलब आस्क श्रेय सर की इस चीज़ पे थोड़ा हाईलाइट डाले कि टेक्निकलिटी आप सबको नहीं पता है, मुझे भी पहले नहीं पता थी कि एम्बुलेंस के बहुत सारे सेफ्टी नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स होते हैं, और गवर्नमेंट ने अभी जो नए नॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए उसके बारे में, और क्यों है और क्या ज़रूरी है वो। सो जैसे कि पिताजी ने कहा कि काफ़ी साल पहले कुछ ये जो इंडस्ट्री एम्बुलेंस इंडस्ट्री उसमें कुछ रेगुलेशंस नहीं था, तो क्या होता था कि जो भी इक्विपमेंट है, जो भी पेशेंट है और ऑपरेटर्स वगैरह है, जब कोई एम्बुलेंस रोड एक्सीडेंट्स वगैरह होते थे तो काफ़ी सीवियर इंजरीज होती थी या फिर डेथ भी होते थे, तो ये काफ़ी जैसे देश बढ़ने लगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने लगा, ये काफ़ी एम्बुलेंस रिलेटेड डेथ्स इंजरीज भी बढ़ने लगे, तो ये देख के गवर्नमेंट ने एक AIS 125 नाम के नॉर्म्स निकाले जो 2018 से इम्प्लीमेंट हुआ है। तो ये AIS 125 नॉर्म्स में उन्होंने ऐसे काफ़ी अलग अलग चीज़ें स्पेसिफाई की, उसमें इतने डिटेल तक गवर्नमेंट गया है कि एम्बुलेंस में कितनी रोशनी होनी चाहिए, क्या क्या इक्विपमेंट्स होने चाहिए, कैसे होने चाहिए। और ये कभी आए नॉर्म AIS 125? 2018 में, 2018 तो उसमें वो नॉर्म्स के हिसाब से नॉर्म्स में ऐसे भी लिखा है कि जो भी इक्विपमेंट है, स्ट्रेचर है या मेडिकल डिवाइसेस है, वो 10G इम्पैक्ट टेस्ट रेजिस्ट होने चाहिए। ये नॉर्म्स पहले नहीं थे, तो इससे क्या होता है जब एम्बुलेंस का कुछ एक्सीडेंट में इन्वॉल्व वगैरह रहती है तो अंदर के इक्विपमेंट्स है, जो पेशेंट स्ट्रेचर पर लेटा हुआ है, तो ये नॉर्म्स इंश्योर करते हैं कि वो सारे इक्विपमेंट्स 10G का फोर्स झेल पाए और पेशेंट की सेफ्टी, ऑपरेटर की सेफ्टी उसमें इंश्योर करें। तो जब ये नॉर्म्स आए तो नॉर्म्स के हिसाब से हम लोग ने ये स्ट्रेचर डिज़ाइन किया। वो डिज़ाइन करते वक्त हम लोग ने काफ़ी इंटरेक्शन की एम्बुलेंस ऑपरेटर से, और वहाँ से ये सब इनिशिएटिव का सब शुरुआत हुई।
और फिर हम लोग आई थिंक सो ये मेक इन इंडिया की स्वदेशी पहली ऐसी ब्रांड है जो यूरोपियन स्टैंडर्ड इंडियन इसमें लेके आए हैं, जो कि नहीं थे पहले। हम सिर्फ चाइना पे निर्भर थे, और दूसरा हमारे पास, नाम नहीं लूँगा कंपनीज़ के, लेकिन फ्रांस की कंपनीज़ है, इटली की कंपनीज़ है, उससे इम्पोर्ट होता था। लेकिन अभी इंडियन है, तो मेक इन इंडिया मूवमेंट नॉर्म्स को मीट करने के लिए पहले ऑप्शन ही नहीं था, बट इम्पोर्ट करना पड़ता था। तो वो भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए हम लोग ने ये स्ट्रेचर डेवलप किया, वो सर्टिफाई किया ARAI से, और फिर हम लोग ये फोर्स मोटर्स, टाटा मोटर्स और बाकी सारे OEMs को ये सप्लाई कर रहे हैं, ताकि उनकी एम्बुलेंस ये सारे AIS नॉर्म्स के हिसाब से जो बनाते हैं वो कम्प्लाई करें। सो फोर्स, टाटा AIS स्टैंडर्ड्स में ही सारे एम्बुलेंसेस बनाते हैं, और उसी से तो मतलब वहाँ पे इन्हीं का सप्लाई होता है। सो मतलब इट एंश्योर। सो मेरा ये इनिशिएटिव से ये भी जागृति करना चाहते हैं हम कि AIS कंप्लायंस एम्बुलेंसेस रखे सारे ड्राइवर्स, और इवन आप सेवा जब लेते हैं आपको भी देखना चाहिए कि ये एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइडर AIS 125 सर्टिफाइड है कि नहीं, इसकी सारी कंप्लायंसेस मीट कर रही है कि नहीं, तभी आपकी सेफ्टी एश्योर हो जाती है। लेकिन वो कैसे पता करें कि हम लोग, सर्टिफिकेट होता है उसके पास, सर्टिफिकेट होता है, एंड ऑल्सो जो भी काफ़ी सालों से जो एम्बुलेंस ऑपरेटर्स और ये इंडस्ट्री में, उनको भी उनका एम्बुलेंस अपग्रेड करना है, इक्विपमेंट अपग्रेड करना है, तो वो जो नए इक्विपमेंट्स लेते हैं तो वो इंश्योर करें कि वो AIS 125 कंप्लाई कर रहे हैं, ताकि वो भी उनके कस्टमर्स के लिए एक हाई क्वालिटी और हाई कंफर्ट सर्विस प्रोवाइड कर पाए। थैंक यू।